जय हिंद दोस्तों, आपकी एनडीए की जर्नी बहुत ही आसान होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूं वो बेस्ट बुक्स जो आपको अपने एनडीए 2023 की प्रिपरेशन के लिए रेफर करना है। सिर्फ इन्हीं किताबों के इस्तेमाल से हमारे बच्चे बहुत बम्पर मार्क्स ला करके पास होते हैं, तो वह सारी किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही चूंकि हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता है, तो किस बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में उसको कौन सी बुक्स रेफर करना है, यह भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एनडीए का जो एग्जाम है वो दो पार्ट में होता है। पेपर वन आपका मैथमेटिक्स होता है और पेपर टू आपका जीएटी होता है। इतना आप सब बच्चों को पहले से ही पता है। प्यारे बच्चों, पेपर वन जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स के लिए क्या करें, और मुझे तो उम्मीद है कि आप सब लोग पहले से काफी कुछ कर भी चुके होंगे। अगर आप अभी अगले 3 महीनों में एनडीए क्लियर करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये 3 किताबों पर रिलाय करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले बच्चों, आपको एनसीईआरटी फोकस करना है। ये एनसीईआरटी आपके बेसिक्स को एकदम सॉलिड कर देगा, मजबूत कर देगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब आप लगा चुके होंगे उसके बाद में आप पीवाईक्यूज पर फोकस करोगे मेरे बच्चा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी में जो कुछ आपने पढ़ा है वो किस फॉर्मेट में, किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि आजकल चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड भी बढ़ा है, तो यहां पीवाईक्यूज लगाने से आपको समझ में आएगा कि किस तरह के और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी हो गई, पीवाईक्यूज हो गया, उसके बाद में आप देखोगे बच्चे कोई बुक तो आपको चाहिए ना जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हो, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सको। तो प्यारे बच्चों, एक एवरेज बच्चा अगर है तो वो अरिहंत की एनडीए एनए लगा सकता है। अगर बच्चे को लगता है मेरा लेवल लो है तो वो पहले आरएस अग्रवाल लगा सकता है, और बच्चे को लगता है कि मेरा मीडियम लेवल से मुझे ऊपर जाना है तो बंदा आरडी शर्मा लगा सकता है। तीनों बच्चों के लिए अलग अलग किताब मैंने बता दी, अपने लेवल के हिसाब से अपनी किताब चुन लेना। ये पूरी बात हो गई मैथमेटिक्स की, आपको करना क्या है। 300 नंबर का जो मैथमेटिक्स है इसमें से आपको अपना एक बैरियर तोड़ना है, आपको 100 नंबर से ऊपर लेकर के आना है। अब बात करते हैं पार्ट पेपर टू। पेपर टू में दो पार्ट होते हैं, सब लोग जानते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में पास होना बड़ा जरूरी होता है। आपको इंग्लिश में अलग से पास होना है और जीएटी का जो दूसरा पोर्शन है जीएस वाला, उसमें पास होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देखोगे बेटा कि जो इंग्लिश की तैयारी है आप कहां से करोगे। वोकेबुलरी आपको स्ट्रांग करना है, वोकेबुलरी बड़ा मजबूत करना है। तो बच्चों, वर्ड्स को मजबूत करने के लिए, अपनी वोकेबुलरी को दमदार करने के लिए आप वर्ड पावर मेड इजी का बुक पढ़ सकते हो। वर्ड पावर मेड इजी का बुक काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसमें सारी चीजें बताई सिखलाई गई है। चूंकि 200 नंबर का वेटेज है तो आप ये ना सोचे कि आपको वर्ड पावर बिल्डअप करने में बहुत टाइम जा रहा है, वो टाइम आपका जा नहीं रहा है, टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है। साथ ही आप ग्रामर पोर्शन के लिए एसपी बख्शी ले लीजिए या फिर आप वीके सिन्हा भी ले सकते हैं। एसपी बख्शी और वीके सिन्हा, इन दोनों किताबों की खासियत है कि इनमें ग्रामर के साथ साथ वोकैब का भी पोर्शन है, और वीके सिन्हा में तो आप देखोगे कि मल्टीपल चैप्टर्स आर गिवन, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हो, चाहे इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स हो, सब कुछ वीके सिन्हा में दिया हुआ है। तो इस बुक के बाहर कुछ जाता नहीं है। अगर आपको लगता है कि वर्ड पावर मेड इजी काफी टफ बुक है, काफी बड़ा बुक है, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो बच्चों फोर्स डिफेंस एकेडमी का एक सिर्फ 80 पेज का नोट्स है, वो छोटा सा पतला सा नोट जो है आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। अगर आपको उसको मंगवाना है तो आप जो है राहुल सर से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मिल जाएगा, या फिर आपका कोई दोस्त हमारे यहाँ हो तो उसका नोट्स लेके आप फोटोकॉपी करा लो। आपका पास होना मायने रखता है मेरे लिए, ये नोट्स बेचना मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप दिल लगा के पढ़िए, डेफिनेटली आपका रिटर्न भी निकलेगा और आपका रिकमेंडेशन भी होगा। अब बात करते हैं पार्ट बी के जीएस सेक्शन पर, साइंस सेक्शन पर। तो पार्ट बी में जो साइंस सेक्शन है बच्चा, इसमें तीनों पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स आपका 100 का होता है, केमिस्ट्री 60 और बायो 40। 200 नंबर का साइंस होता है, इसके बिना एनडीए निकालना बहुत मुश्किल होता है। विदाउट साइंस यू कैन नॉट क्लियर एनडीए। तो बच्चा फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी लगाओ 11-12 की, साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अलग से शीट्स या फिर एमसीक्यूज के बुक को रेफर करो। ल्यूसेंट का एक बुक आता है एमसीक्यूज में, वो भी आपको काम आ सकता है। केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 9th-10th का एनसीईआरटी लगाना है। बायोलॉजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लगाना है 9th-10th की। सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? बच्चों
आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट खरीद चुके होंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चंस तो उस पीवाईक्यूज के अंदर ही वहां से मिल जाएंगे। साथ ही आपको एक और बात जो हर बच्चे के पास में होता है, पाथ फाइंडर वाला किताब अधिकतर बच्चे के पास में होता है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एनडीए का जो इंग्लिश वोकेबुलरी वाला पोर्शन है उस वोकेबुलरी में भी पाथ फाइंडर में आपको ढेरों वर्ड्स मिल जाएंगे, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, पार्ट बी का जीएस सेक्शन, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अब देखो पॉलिटी के तो गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के, तो आप पॉलिटी इकोनॉमिक्स में टाइम खराब मत करना जी हैं। आपको क्या करना है, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़िए 11th क्लास की। आपको महेश कुमार बर्णवाल और माजिद हुसैन ये सारी किताबों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी किताबें हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आपको ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 11th को फॉलो कीजिए बेटा। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, अगर आपको एनसीईआरटी में ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ पाओगे ज़्यादा है, हालांकि उतना ज़्यादा भी नहीं है, नया एनसीईआरटी पढ़ लो। आप ल्यूसेंट की किताब की मदद ले सकते हो, आप पाथफाइंडर में से भी पढ़ सकते हो। साथ ही करंट अफेयर्स के लिए आपको वन एंड ओनली सोर्स का इस्तेमाल करना है, ये सोर्स है 7 से 8 बजे में शिवानी मैडम की क्लास। एज ए टेस्ट छपे छपाए क्वेश्चन शिवानी मैडम की क्लास से आ जाते हैं करंट अफेयर्स में। और साथ ही अगर आपको इंग्लिश में वोकेबुलरी की प्रैक्टिस करना है बेटा, तो इसी चैनल पर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो मैंने वोकेबुलरी का भंडार भर रखा है। साथ ही साथ शाम को 8 बजे से 9 बजे तक वोकेब की क्लास भी हो रही है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। ये सारी किताबें मैंने बता दी हैं आप सब बच्चों के लिए, मैं यहां से दिल से दुआएं कर रहा हूं आप सारे बच्चे अपने इसी अटेम्प्ट में 3 सितंबर के दिन ही आपका एनडीए का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप लोग एनडीए क्लियर करोगे, और ना सिर्फ एनडीए क्लियर करोगे आप रिकमेंड होगे, ऐसी मेरी प्रभु से शुभकामनाएं हैं, मेरी दिली शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। खूब मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, डेफिनेटली वी विल बी सक्सेसफुल। जय हिंद।